नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सोनी KDL43W800C का फॉल्ट देखेंगे जो कि मेरे पास सेट आया हुआ है, वो नो पिक्चर में है। नो पिक्चर का मतलब आपका बैकलाइट जलेगा लेकिन आपको स्क्रीन पे कुछ भी डेटा या फिर बोल सकते हो कुछ भी दिखाई देगा नहीं, तो उस ऐसे फॉल्ट को हम बोलते हैं नो पिक्चर। उसे कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ आपका बैकलाइट जलते रहेगा। ओके, तो आप हाथ से ऐसा टच करके देखोगे तो आपको बैकलाइट का जो है जलने की आपको उसमें स्पार्क ऐसा दिखेगा। तो इसको सबसे पहले आपको बैक कवर को रिमूव कर लेना है। तो ओके, ये जो फॉल्ट है ये बहुत कॉमन फॉल्ट है, बहुत सारे टीवीयों के अंदर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसका जो तरीका है रिपेयर करने का वो कॉमन है, एक ही तरीका है आप इसको रिमूव कर सकते हो। कि सबसे पहले जो है आपको इसके जो बैक कवर है वो आपको केयरफुली रिमूव कर लेने हैं, जितने भी स्क्रू लगे हैं सबको आपको बारी बारी से ओपन कर लेने हैं। ओके, तो जैसे आपका स्क्रू ओपन हो जाएगा आप आराम से केयरफुली बैक कवर को रिमूव कर लीजिए। ये इसका मदरबोर्ड है और ये इसका आपको इन्वर्टर बोर्ड है। आपको सबसे पहला इसका डेटा लाइन जो होता है वो कन्फर्म कर लेना है कि आपका जो टीकॉन से या फिर जो टीकॉन पर डेटा लाइन आ रहा है वो परफेक्ट है कि नहीं है। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको कन्फर्म कर लेना है कि फॉल्ट का एरिया डिसाइड करना है कि भाई फॉल्ट आपका कहाँ पर है, मदरबोर्ड में है या फिर आपके पैनल में है। तो ये कन्फर्म करने के लिए आपको एक दूसरे मदरबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आप बाहर से उसको जो है आप पैनल को चेक कर सकें। ओके, तो चलिए हम एक दूसरा मदरबोर्ड लगा के इसको हम चेक करेंगे। तो इसको इसमें किसी ने दूसरा टिकॉन डाला हुआ है, दूसरा टिकॉन डाला रहेगा तो आपको सोनी लिख के नहीं आएगा। मैंने बैकलाइट को ऑन कर लिया है, अब मैं दूसरा मदरबोर्ड लगा के चेक कर लेता हूँ कि पिक्चर जो है आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हो कि पिक्चर ओके है, पैनल में कोई दिक्कत नहीं है, जो पैनल है एकदम ओके आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये तो एरिया कंफर्म हो गया कि पैनल में कोई फॉल्ट नहीं है, टीकॉन में भी कोई फॉल्ट नहीं। तो फॉल्ट जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है हमारे मदरबोर्ड में। तो मदरबोर्ड में शिफ्ट होने के बाद में तो यहाँ पर एक तो सिस्टम आईसी का फॉल्ट हो सकता है, दूसरा आपको जो है उसके अंदर क्वाइलें लगी है उसकी फॉल्ट हो सकती है। लेकिन पहले हम एक बार और चेक कर लेते हैं मदरबोर्ड को कि क्या हमारे LVDS में तो दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ें कन्फर्म करना है हमको। तो यहाँ पर देख सकते हो सेट चालू हो गया है और लाइट भी आ गया है लेकिन पिक्चर नहीं है इसमें। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि जो क्वाइल लगा होता है मदरबोर्ड और सिस्टम आईसी और LVDS के बीच में, जो लो ओम्स की क्वाइल हो सकते हैं, किसी किसी में रजिस्टर यूज करता है, किसी किसी में क्वाइल यूज करता है, तो वो क्वाइलों को आपको प्रॉपर तरीके से चेक कर लेना है। इसमें से अगर कोई भी क्वाइल ओपन रहेगा, खासकर क्लॉक का अगर क्वाइल ओपन रहेगा तो आपको नो पिक्चर में हो जाएगा। एक बार डेटा की क्वाइल ओपन रहेगा तो आपको पिक्चर दिखेगा लेकिन उसके अंदर आपको डिस्टॉर्शन नज़र आएगा, मतलब कि रेडिश दिखेगा या ग्रीनिश में दिखेगा तो ऐसा, या ब्लूइश में दिखेगा तो ऐसा आपको डिस्टॉर्शन नज़र आता है। लेकिन अगर क्लॉक का सिग्नल अगर ओपन रहेगा तो आपको नो पिक्चर दिखेगा। तो यहाँ पर जो भी क्वाइल मैंने चेक किया है सब हमको यहाँ पर ओके दिखा रहा है, इसमें किसी में फॉल्ट नहीं दिखा रहा है। ओके, अब हम क्या करते हैं इसके ऊपर जो है दूसरा LVDS लगा के एक बार हम कंफर्म करते हैं कि क्या LVDS में कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं LVDS इसलिए लगा रहा हूं कि कभी भी आपको ओरिजिनल टीकॉन की जगह पे अगर आप मार्केट का टीकॉन लगाते हो जिसमें सोनी न लिखा हुआ है, उसको किस तरह से लगाएंगे हम लोग इसी वीडियो में देख लेते हैं आपको। उसके लिए आपके LVDS जो होता है उसके अंदर से कुछ ट्रैकों को ब्लॉक करना है। ओके, सप्लाई के अपोजिट साइड से कम 12 ट्रैकों को ब्लॉक करना है। ओके, कम से कम 12 ट्रैकों को ब्लॉक करना है, या बोल सकते हो 10 ट्रैकों का आपको ब्लॉक करना है, 10 से 12 ट्रैक आप ब्लॉक कर सकते हो। ओके, दस से बारह ट्रैकों का आपको ब्लॉक करके देखना है। यहाँ पर मैंने कम ट्रैक ब्लॉक किया है, कम ट्रैक इसलिए ब्लॉक किया है ताकि आपको कंफर्म कराऊं कि कम ट्रैक ब्लॉक करने से क्या होता है। यहाँ पर मैंने कम ट्रैक ब्लॉक 5-6 ट्रैक ही ब्लॉक किया है, 10 ट्रैक ब्लॉक नहीं किया है, मैंने सिर्फ 5 ही ट्रैक ब्लॉक किया है, 5-6 ट्रैक। अब मैंने कनेक्टर को
जो एलबीडीएस का कनेक्टर है उसको साफ करके आपको लगा देना है। ओके, तो आप जब लगाओगे कनेक्टर, लगाने के बाद में आपको सेट को जो है ऑन कर लेना है। ओके, अभी ये सेट को मैंने ऑन कर लिया है। अब देखते हैं कि क्या पिक्चर आता है या नहीं आता है। पहले हमको ये चेक करना है कि लाइट आता है कि नहीं, स्टैंड जो लाइट था वो वाइट में आता है या नहीं आता है। आप देख सकते हो लाइट ही नहीं आया है। ओके, पहले लाइट आ रहा था, अभी लाइट ही नहीं आया है, समझ में आया। तो आप जब कम ट्रैक ब्लॉक करते हो तो ये आपको नतीजा मिलता है कि जो उसकी लाइट होती है वो भी नहीं आता। ओके, अब हम 10 से 12 ट्रैकों को ब्लॉक करेंगे। ठीक है, पहले हमने 5 ट्रैक को ब्लॉक किया तो लाइट नहीं आए। तो कभी भी याद रखिए, आप जब मार्केट का टिकॉन इसके अंदर लगाते हो, 800C, 800D, 800F जो भी हो उसके अंदर आप लगाते हो, तो ये आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा जब अगर उसका ओरिजिनल टिकॉन ख़राब हो जाता है और फेलियर भी टिकॉन है, या फिर नया पैनल डालते हो। अगर आपको पैनल आईडी नहीं लगानी है, सोनी लिख के नहीं चाहिए, तो आप इस तरह से यूज़ करके आप उसके ट्रैकों को ब्लॉक करके आप काम कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इस बार 10 ट्रैकें ब्लॉक की है, 10 से 12 ट्रैकों को ब्लॉक किया है। अब हम देखते हैं कि लाइट आता है या नहीं आता है। तो आप जब कम ट्रैक को ब्लॉक करोगे तो लाइट भी नहीं आता है, ठीक है, लेकिन आपका लेकिन पैनल का वोल्टेज आते रहेगा। लाइट नहीं आएगा स्टैंड बाई का, लेकिन पैनल का वोल्टेज आते रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखते हैं कि देखिए लाइट आ चुका है और स्क्रीन पे कुछ देखने को मिलता है या नहीं मिलता है वो भी कंफर्म कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर मदरबोर्ड से सिग्नल नहीं आ रहा था। ओके, तो अभी आने वाला है या नहीं आने वाला है, 99% तो नहीं आने वाला है। ओके, देखिए नहीं आया है। तो आपको एक बात ये सीखने को मिला कि हम इसके अंदर जब दूसरा बोर्ड या दूसरा टिकॉन डालते हैं तो इस तरह से ट्रैकें ब्लॉक करनी पड़ती है। ओके, अब चलिए हम लोग दूसरा मदरबोर्ड चेंज करके देखेंगे इसके अंदर अब, और देखते हैं पिक्चर आता है या नहीं आता है। तो हमने दूसरा मदरबोर्ड यहाँ पर लगाया है इसके अंदर है, कि दूसरा ऑप्शन अपने दूसरा कोई चांस नहीं अपने पास है, तो हम दूसरा मदरबोर्ड इसके अंदर लगा दिए हैं। और देख सकते हो एंड्रॉयड लिख के आ गया है। उसके अंदर चांस एक और भी है कि उसकी सिस्टम आईसी को आप हीट करके अगर ड्राई रहेगा तो भी पिक्चर आने का चांस है, लेकिन वो कभी भी रिपीट हो जाता है, इसीलिए हमने बोर्ड चेंज करके इसके अंदर देखा है। ओके, तो यहाँ पर हमने जब बोर्ड चेंज किया तो पिक्चर हमको देखने को मिल गया, पैनल का फॉल्ट नहीं था। ओके, तो इस तरह से आप फॉल्ट को दूर कर सकते हो। ओके दोस्तों, जब हम लोग टीवी रिपेयरिंग करते हैं तो हमको कुछ पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो पार्ट्स आप abctie.com से आप ले सकते हो। इस पर फ्री शिपिंग चार्जेस है, आप यहां से बाय कर सकते हो। यहां पर मोबाइल कवर से ले के टीवी पार्ट्स तक सारे चीज़ें यहां पर उपलब्ध है, आप जाके यहां से ले सकते हो। ओके, तो जैसे कि मदरबोर्ड हो गया, टिकॉन बोर्ड हो गया, पावर सप्लाई हो गया ब्रांडेड, ओके, तो आप यहां पर जाके ले सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहां पर सारा चीज़ प्लाज्मा के भी पार्ट्स आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ओके, आपको यहां पर बताया कि मोबाइल कवर से लेके आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, सेटअप बॉक्स, आप 4K बॉक्स लेते हो, फायर स्टिक लेते हो, एडाप्टर लेते हो, सारा चीज़ें इस साइट पे दिया हुआ है, आप जाके यहां से ले सकते हो, खरीद सकते हो। देखिए आप 4K बॉक्स मैक्स का है तो आप ये सब ले सकते हो यहां से, और फ्री शिपिंग चार्जेस है, आप घर बैठे मंगवा सकते हो। अगर आपको पावर सप्लाई यहाँ वहाँ कहीं से नहीं मिल रहा है तो आप जाके यहाँ से ले सकते हो और अपना काम कर सकते हो और अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हो। ओके, तो जाइए एक बार साइट पे विजिट कर लीजिए और देखिए आपके काम का कुछ चीज़ है तो यहाँ से ऑर्डर करके आप मंगा लीजिए। ओके, धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।